हेलो गाइस, कैसे हो। तो एक भाई का कमेंट आ रहा था यार, इस कंपनी के बारे में पूछ रहा था, जो पंजाब से गुरजीत सिंह हैं, जिन्होंने ये कंपनी के बारे में पूछ रहा था भाई कि ये कंपनी कैसी है, थोड़ा बताओ। ताकि उनको शायद इनका ऑफ़र लेटर वगैरह मिला है एक कंपनी के बारे में, जो कंपनी का मैं नाम बताने वाला हूँ। और मैं ज़्यादातर कंपनी से रिलेटेड ही वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, कि कौन सी कंपनी अच्छी है दुबई में, कौन सी कंपनी ख़राब है, क्योंकि मैं खुद 12 साल से यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ दुबई के अंदर। तो जो भी बताता हूँ यार, रियलिटी के बेस पे बताता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट यही पता करना कि कौन सी कंपनी अच्छी है। कोई गलत कंपनी में अगर आप आकर फंस गए तो फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2-2 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनता है यार। एक बार अगर आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए तो फिर मुश्किल होता है कंपनी चेंज करना या फिर अपने मुल्क जाना। मगर बहुत उसका भी तरीका है, मगर आपको प्रॉपर मालूम होगा तब। तो आपको भी अगर ये कंपनी के बारे में, कोई भी कंपनी के बारे में डिटेल चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 10,000 से ज़्यादा कंपनी है, 50% सप्लाई कंपनी है, और सप्लाई कंपनी में अगर आदमी फंस जाता है तो बहुत बुरा हाल होता है। इसीलिए मैं इस टॉपिक को पर वीडियो ज़्यादातर बनाते रहता हूँ यार, क्योंकि मैं खुद वर्कर हूँ तो वर्कर की फीलिंग समझता हूँ। तो अगर आपको भी कंपनी के बारे में कोई भी डिटेल चाहिए या कोई भी सवाल है दुबई से रिलेटेड, तो नीचे चलता वीडियो भर में 4 अंक का कोड आएगा, उस कोड के साथ आप कमेंट करोगे तो आपका भाई ज़रूर जवाब देगा। तो जो कंपनी का नाम मैं बताने वाला हूँ दोस्तों, ये कंपनी बुर्ज खलीफा जो बनी है दुबई के अंदर, वो दो कंपनी मिलकर बनवाई थी। एक कंपनी बनवाई थी 3CC, एक जो मैं ये कंपनी का नाम जो बताने वाला हूँ डेक्टो, ये कंपनी का नाम है डेक्टो। और पंजाब से भाई ने कमेंट किया था कि भाई मुझे ज़रूर बताना, मतलब 200 बार कमेंट किया उन भाई ने। तो मैं सोचा, और लोग भी कमेंट किया था, मैं सोचा एक ही बार वीडियो बनाकर इस कंपनी के बारे में पूरा डिटेल बता दूँ। तो ये कंपनी दोस्तों बहुत अच्छी कंपनी है, और मैं जैसा बोला कि ये बुर्ज खलीफा 3CC और ये डेक्टो मिलकर दोनों बनाई है, जो कंस्ट्रक्शन का काम था, और बाकी छोटे मोटे तो बहुत सारा कंपनियाँ बनाई थी। तो डेक्टो कंपनी अच्छी कंपनी है दोस्तों, इसका लेबर कैंप सोनापुर में भी है, अलकुश में भी है, अबू धाबी में भी है, और ये बहुत बड़ी कंपनी है। इसमें ऑलमोस्ट वर्कर ज़्यादा इंडियन वर्कर हैं, इसमें जो भी इंजीनियर वगैरह है वो ज़्यादा मारवाड़ी मतलब केरला का है, और इसमें लीप सैलरी वगैरह भी मिलती है जाने के टाइम, मतलब 2 साल में आप जाओगे तो 2 लीप सैलरी मिलेगी, जाने आने का टिकट मिलेगी, फाइनल जब जाओगे 2-3 साल 4 साल 5 साल बाद, जब भी मतलब एक बार कैंसिल जाओगे कंपनी तो ग्रेजुएटी पैसा भी मिलेगी। हाँ, इसका खाना उतना अच्छा नहीं है, मैं सिंपल बताता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं वर्कर से खुद बात करके फिर मैं आप लोग के लिए बताया हूँ, क्योंकि बहुत साइडों पर उन्होंने मिला है वर्कर लोग, फिर उन लोग से बातें किया हूँ, फिर मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि मेरा काम ही है, 1 दिन 2 दिन पर साइड यार चेंज करते रहता हूँ, हमारी कंपनी छोटी है तो वहाँ पर वर्करों से मिलकर बातें करके फिर मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो डेक्टो कंपनी ये बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों, ये कंपनी में आओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपका मैं इसी टाइप का कन्फ्यूजन अगर दूर आप करवाना चाहते हो कंपनी के बारे में डिटेल, तो कमेंट करो। अगर आपको जानकारी कुछ भी चाहिए तो नीचे बॉक्स में फिर मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा, मगर कोड के साथ आपने कमेंट करना है। तो डेक्टो कंपनी कुल मिलाकर बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों, इसमें ओवरटाइम अच्छा चलता है, अगर काम इसके पास हुआ तो, और काम नहीं हुआ तो वही फिर नॉर्मल 8 घंटा ड्यूटी चलता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, जब तक गुड बाय।